तो भाई आज का मंडे नाइट रखो सो अभी स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में बहुत कुछ कमाल धमाल हो चुका तो है। क्या है पूरा कहानी आइए जानते हैं। उससे पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार सब। तो हर बार की तरह हमारा आज का भी शो देखने को मिलता है स्टार्टिंग में ब्लड लाइन के साथ, और सच में यार जो ब्लड लाइन आता है उनका स्वैग देख के मजा ही आ जाता है। उसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ मुस्कुराते हैं और माइक पकड़ते हैं, बोलते हैं ब्रुकलिन एक्नॉलेज मी। वैसे आज के शो के ऊपर सबसे ज्यादा गौर करने वाला बात यह था पूरा एरिना सैमी जेन का चैंट कर रही है। देखो इसे देखकर तो सैमी जेन अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर वहां पर रोमन रेंस तो कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद रोमन रेंस जाते हैं जेउसो के पास, बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग आखिर मैच क्यों हारे। तभी हमारे वहां पर आ जाते हैं सैमी जेन, और सैमी जेन रोमन रेंस को बोलते हैं कि रोमन रेंस आप साइड हो, ये मैं बात करता हूं। रोमन रेंस वहां पर मुस्कुराते हुए साइड भी हो जाते, कहते हैं इसलिए तू मेरा ऑर्डिनरी उसो। सैमी जेन फिर जाते हैं जेउसो के पास, जेउसो को कहते हैं तुमको आखिर प्रॉब्लम क्या है, देखो ये बंदा जिमी उसो कितना खुश रहता है मेरे से, और जिमी उसो वहां पर मुस्कुराते भी रहते। उसके बाद वो सोलो सिकोवा के पास भी जाते हैं, सोलो सिकोवा कहते हैं देखो ये कितना खुश रहता है, कितना ज्यादा फोकस करता है। ऑब्वियसली यहां पर सोलो सिकोवा नहीं मुस्कुराते क्योंकि सोलो सिकोवा का कैरेक्टर उस तरह से नहीं बनाया गया, जो तुम्हें अपने आप में सुधार करना तभी ब्लड लाइन आगे जा पाएगा। और तभी वहां पर जेउसो गुस्सा हो जाते हैं, आकर बोलने लगते हैं रोमन रेंस के सामने कि अब तुम मुझे सिखाएगा। और सही में यार लिटरली मुझे इस पॉइंट पर यह लगने लगा था कि शायद इन दोनों आपस में फाइट करने लगे इस पॉइंट पर, ऐसा कुछ हो। उससे पहले टपक जाता है वहां पर रिडल। रिडल वहां पर आकर बोलते हैं रोमन रेंस मैंने फाइट फिट मैच के अंदर सेथ रॉलेंस को हराया, तो क्या मुझे फिर से यूनिवर्सल टाइटल के लिए मौका देना चाहिए या फिर नहीं, जो मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए तुमसे यूनिवर्सल टाइटल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। रोमन रेंस बोलते हैं कि ठीक है मैं सबसे पहले सबसे पूछता हूं इन लोग चाहते हैं कि नहीं। फिर ऑडियंस सारा चैंट करना शुरू कर देते हैं हां हां एक मैच देना चाहिए इनको। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि लेकिन मैच तो मैं बनाने वाला हूं, लेकिन मैं कोई भी मैच तुम्हें नहीं देने वाला हूं। फिर रिडल ये बोलते हैं कि चलो रोमन एक काम करो, अपना किसी बंदा का मैच मेरे साथ करवा दो तुम अगर नहीं कर रहे हो, और अगर मैं उसे हरा दूंगा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। तभी वहां पर जेउसो मुस्कुराते हुए माइक पकड़ते कहते हैं हां हां बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जो आज ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा सैमी जेन। अब लिटरली यहां पर सैमी जेन का हालत खराब हो जाता है, सैमी जेन बात घुमाना शुरू कर देते हैं, पर रिडल उनको इतना ज्यादा चिढ़ाने लगते हैं कि लास्ट में सैमी जेन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हां मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो फाइनली आज के शो के ऊपर ये एडवर्टाइज हो जाता है सैमी जेन और रिडल का मैच। और हां ये बस स्टार्टिंग का मैंने सेगमेंट कवर किया, और भी मैं सारा वीडियो कवर करूंगा इसके बाद। और भाई मैं इतना बता दे रहा हूं फिर से ब्लड लाइन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला आज के शो के ऊपर। भाई अभी मैं जैसे सबसे पहले आपके पास रिव्यू पहुंचाया, जैसे शो खत्म होगा सबसे पहले मैं आपके पास रिव्यू पहुंचा दूंगा। तो सारे के सारे बंदे सब्सक्राइब कर दो यार इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो। और हां मुझे तो कभी भी नहीं लगता कि रिडल को हरा सकते हैं सैमी जेन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और हां सब लोग सब्सक्राइब कर दो, और मैं आज के शो का सारा सेगमेंट एक बाय एक करके कवर करने वाला हूं।